जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। मेरे चैनल लर्निंग विषया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम तीन नंबर के ठाकुर जी के लिए, बहुत तीन और चार दोनों नंबर के ठाकुर जी को आ जाएगी ये ड्रेस, और ये छठी के लिए ड्रेस बना रहे हैं। लल्ला की छठी पर पहनाने के लिए बहुत ही प्यारी ड्रेस बनेगी, सिंपल बना रहे हैं बहुत। इसमें हम कोई डिजाइनिंग नहीं कर रहे हैं, सिंपल सी बना रहे हैं। आपके पास भी कोई सिंपल से कपड़े की पट्टी हो तो उससे आप ये ड्रेस बना पाएंगे, तो एक सीधी पट्टी से ही ये ड्रेस बन जाएगी। तो चलिए ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर मेहमान है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे राइट सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, उसके बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो देखिए ये हमने 3.5 इंची चौड़ी और ये हमने 26 इंचीज लंबी, 3.5 इंची चौड़ी लिया और 26 इंचीज लंबी हमने एक पट्टी हमने ब्रोकेट के फैब्रिक की कट की। ये देखिए बनारसी ब्रोकेट का फैब्रिक है, इसकी कट किया। आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हो। साथ में अरकंडी का अस्तर कट किया है मैचिंग में। अरकंडी का अस्तर आपके पास मैचिंग में ना हो तो आप व्हाइट अरकंडी भी ले सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये ब्रोकेट की जो पट्टी हमने ली है 3.5 इंची चौड़ी और 26 इंची लंबी, इसको इस तरीके से अस्तर के ऊपर उल्टा रखेंगे। और उल्टा रखने के बाद तीन साइड, एक साइड ये, एक साइड ये और एक साइड ये, तीनों साइड से इसे हम पहले सिल लेते हैं और सिलने के बाद पलट देंगे। लेस ली है गोटा पट्टी की, इस लेस को किनारे किनारे टक कर देंगे। इसके एजेस हैं, इन पर ये देखिए समोसा लेस लगा देंगे। अब इसका हम घेर तैयार करेंगे और घेर हमें 4.5 इंच के अंदर लगभग तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चुन्नटें डाल करके, प्लेट्स डाल करके, और ये घेर हमें तैयार कर लेना है। ये घेर देखिए हमारा बन गया और बिल्कुल अपने आप गोल हो गया। एक्यूरेट नाप होगा तो आपका घेर कभी भी खराब नहीं बनेगा। बहुत सारे लोग हमें कंप्लेन करते हैं कि मैम जो घेर है ना हमारा गोल नहीं हो पाता, खिंच जाता। उसका रीजन ये होता है कि ये वाली जो चौड़ाई होती है ये, और जो हम इसको लेते हैं इसकी लंबाई को घेर की पट्टी की, उसको उसमें आपका बराबर है ना मेजरमेंट सही नहीं होता है। कई बार होता है हमें, जैसे ये 3 इंची देखिए हमारी तैयार आ रही है, आपने इसे 4 इंची ले लिया, 26 इंची आपने लंबाई ली और 4 इंची अगर से आपने ये चौड़ाई ली तो आपका घेर बिल्कुल परफेक्ट गोल नहीं आएगा, वो उसमें खिंचाव आएगा या मुड़ेगा। क्योंकि हमें ना लगभग 8 गुना, कम से कम 8 गुना से लेकर के 10 गुना तक हमें घेर लेना होता है चौड़ाई का। तो जितनी हमने चौड़ाई रखी है उसका 8 से 10 गुना हम घेर लेंगे तो हमारा घेर एकदम गोल बनेगा। अब इसमें हमें चोली बनानी है। चोली हम थोड़ी सी डिफरेंट तरीके की बनाएंगे। ड्रेस में हमें नेफा नहीं लगाना है क्योंकि ये ड्रेस हम फ्रॉक वाली बनाने वाले हैं। तो चलिए इसकी पहले चोली बना लेते हैं। तो देखिए चोली के लिए हमने ये लगभग 2 इंची के करीब हमने ये इस तरीके से लंबाई ली है और 6 इंच के करीब हमने ये चौड़ाई ली है। अब करना क्या है, ये देखिए इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड करेंगे और जितना हमारा सिलाई में जाना है उतना छोड़ करके हमें रखना है। ये देखिए ये हमारा सिलाई में जाने वाला पोर्शन हो गया। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर हमारा ये गला आएगा आगे का, ये वाले पोर्शन हमने ये वाले पीस को उठाया ऊपर, ये हमारा आगे का गला होगा, ये हमारा मुड्डे का हिस्सा होगा। आगे और पीछे दोनों के मुड्डे हमारे यहाँ से आएंगे, यहाँ से इसके हाफ में निशान लगाएंगे और इस तरीके से तिरछी हल्की सी गोलाई देते हुए ये कटिंग कर देंगे मुड्डे की। ये देखिए हमारी चोली की कटिंग हो गई। अब इसको हमें उल्टा रखना है अस्तर के ऊपर। उल्टा रखने के बाद में यहाँ से और यहाँ से दोनों साइड से हमें सिल करके बस पलट लेना है दोनों, और कहीं से अभी हम नहीं सिलेंगे, केवल यहाँ से सिलना है और यहाँ से सिलना है। ये पलट लिया,
अब पलटने के बाद इसे देखिए, यहां से यहां से यहां से यहां से और यहां से सब तरफ से सिलाई लगा करके पहले कच्ची और इसको सेट कर लेते हैं और अस्तर को इसकी कटिंग के बराबर ही कट कर लेंगे। देखिए क्या करना है हमें, सबसे पहले यहाँ पर दो प्लेट्स डालेंगे, यहाँ पर हल्की सी तिरछी एक प्लेट यहाँ डालेंगे और हल्की सी तिरछी एक प्लेट यहाँ डालेंगे, दो प्लेट डाल लेते हैं पहले। ये देखिए ये प्लेट्स हमने इसलिए डाली क्योंकि फिटिंग है ना बहुत अच्छी से आ जाए। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर एक हल्की सी चुन्नट डाल देंगे ताकि ये गले की फिटिंग भी अच्छी आए। तो ये यहाँ पर एक प्लेट डाल देते हैं, ये देखिए। अब क्या करना है, अब ये शिमर के फैब्रिक की हमने पाइपिंग लगानी है, तो ये हम यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों में हम पाइपिंग लगा लेंगे, दोनों मुड्डों की गुलाई में। पाइपिंग हमने और भी ली है और इसे हम थोड़ा खींच करके लगाएंगे पाइपिंग को, खींची हुई पाइपिंग होती है तो उसमें झोल नहीं आता। पलट करके यहाँ सिलाई लगाएंगे, देखिए चोली का लुक कुछ इस प्रकार का हो गया। अब इसे हमें क्या करना है, इस तरीके से मिलाएंगे इसके साथ में दोनों मुड्डों को आपस में चोली के साथ इस तरीके से मिला करके और यहाँ सिलाई लगा लेंगे। हमने एक शिमर की और भी पट्टी फिर से ली है और इस पट्टी को हम क्या करेंगे, इस तरीके से डबल करेंगे, ये फोल्ड करने के बाद में उल्टी साइड से ही इसको टक करेंगे, सेंटर में रखेंगे पट्टी के सेंटर में। चोली को इस तरीके से रखा हमने, दोनों साइड हमने बांधने के लिए छोड़ दिया, यहाँ भी और यहाँ भी बराबर बराबर, और इसको पहले टक कर लेंगे इसके साथ में और टक करने के बाद से पलट करके ऊपर की साइड टक सिल देंगे। अब देखिए इसे किस तरीके से हमें, ये जो हमारा एंड्स वाला पीस है ना, वो एंड्स वाली साइड है, इसको अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसको इसके ऊपर पलट देंगे। ये देखिए तो एकदम गोल पाइपिंग हमारी बन जाएगी और बिल्कुल किनारे किनारे हमें सिलाई लगा लेनी है। अब इस चोली को इस घेर के साथ में अटैच करेंगे और कैसे अटैच करेंगे, पहले इसके सेंटर में एक निशान लगा लेंगे चोली के सेंटर में। इस तरीके की जब चोली हम घेर के साथ अटैच करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए हमारा सेंटर से सेंटर मिलना चाहिए, सेंटर जरा भी हमारा आउट हो जाता है तो हमारी जो फिटिंग है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी, घेरा हमारा कभी इधर को भागेगा कभी उधर को भागेगा। और घेर के भी ये सेंटर में निशान लगाएंगे, अब इसको अटैच कर देंगे इस तरीके से, ये सेंटर में ला लेंगे, यहाँ पे सेंटर में आ रहा है, फिर उसके बाद में आधा सेंटर लगाएंगे।
यहाँ से देखिए इस तरीके से इसे पहले कॉर्नर से कट कर देंगे ताकि ये फिनिशिंग लगे। कि यहाँ पर जो एजेस निकल रहे हैं ना, यहाँ पर एक पाइपिंग लगा देंगे ताकि ये फिनिशिंग आ जाए बिल्कुल। और ये देखिए कितनी प्यारी सी ड्रेस हमारी बनी है ठाकुर जी की। ये देखिए इसमें हमने फुमन लगा दिए हैं, ये टसल्स लगा दिए हैं। तो चलिए पहना करके दिखाते हैं ठाकुर जी को। ये देखिए ड्रेस हमारी पूरी बन गई है, इसमें हमने यहाँ पर ये टसल्स भी लगा लिए हैं और साथ ही एक हमने टिच बटन लगा दिया है पीछे ताकि ये ना जब हम पहनाएं तो उसको यहाँ घेर से बंद कर सकें। और साथ ही हमने देखिए ये छोटी सी पगड़ी बस सिंपल वाली है, ये हर बार बताते हैं इसलिए मैंने बताया नहीं है वीडियो में। तो चलिए अब ठाकुर जी को पहना करके दिखाते हैं। देखिए तीन नंबर के ठाकुर जी हैं हमारे, इन्हीं के लिए ये ड्रेस बनी है। तो इसको ड्रेस को हम पहना करके दिखाते हैं। बहुत आसानी से पहन लेते हैं ये वाली ड्रेस क्योंकि दोनों बाहें आगे की से हमें चढ़ानी होती है। टिच बटन लगा दिया हमने, उसके बाद में हम ये डोरी लगाएंगे। देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना ड्रेस, कैप पहना देते हैं। दोस्तों आपको कैसी लगी है? पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए राधे राधे।